हाँ जी आप अपनी भाषा में बोल लीजिए। मुरली में अश्वमेध हुसैन, हुसैन मुसलमानों में कहा जाता है। हाँ हुसैन भगवान को कहते हैं वो लोग, अल्लाह मियाँ को हुसैन कहते हैं। हाँ वो अल्लाह को ही हुसैन कहते हैं। अर्थ क्या है? अल्लाह माने ऊंचा। हुसैन है घोड़े पर बैठने वाला, घोड़ा हो गया ब्रह्मा बाबा। वो मुसलमान तो ब्रह्मा को ही मानेंगे या शंकर को मानेंगे? ब्रह्मा को मानते हैं, ब्रह्मा ने उनकी पालना की है। जितने भी असुर हैं उनकी पालना कौन करता है? उनको वरदान कौन देता है? ब्रह्मा से ही पालना वरदान मिलता है। हाँ जी बेसिक में बेसिक की शूटिंग होती है, एडवांस में एडवांस की शूटिंग होती है। एडवांस तीखा जाएगा शूटिंग में, जैसे दुनिया में भी शूटिंग होती है तो शुरुआत में धीमा धीमा काम चलता है कि तेजी से चलता है? हैं? धीमा काम चलता है और बाद में शूटिंग का काम बहुत तेजी से चलता है। तो ऐसे ही है। और ड्रामा तो रिपीटेशन है वाणी है, ड्रामा रिपीटेशन है वाणी हूबहू। नीचे में ऐसे कहते थे ना, जो कट नहीं हुआ था अभी और भी होगा, वही हम लोग अभी एडवांस में आया। हाँ। तो अभी इसका लौकिक मार्गदर्शन जो भी है वो नेक्स्ट हम लोग एडवांस में आने से उसी टाइम भी वही मातृता होगा लौकिक में, जिससे हम लोग जो भी आत्मा अगले कल्प में जो यहाँ हुआ है जो हो रहा है वही अगले कल्प में फिर होगा। अभी हमारे जो माता पिता हैं लौकिक में वो ही वहाँ लौकिक में फिर होंगे, बदल थोड़े जाएंगे। अभी तो हमें एक जन्म के ही लौकिक माता पिता की बात मालूम है, आगे चल के तो ऐसा भी टाइम आएगा कि अनेक जन्मों के माता पिता का हमको ज्ञान हो जाएगा, तब भी हम यही कहेंगे कि अगले जन्म में हर जन्म में हमको बदल बदल के जो माता पिता मिलने हैं वो ही मिलेंगे जो पहले मिले थे। 84 जन्म के 84 माता पिता। और जयसिंह भाई पूछ रहे हैं, राम नाम के आलसी भोजन के होशिया तुलसी ऐसे बार बार दिखा, ये तुलसी ऐसे ऐसे कैसे? तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार, ये तुलसी राम वाली आत्मा ही तुलसी बनती है, तुलसीदास। राम वाली आत्मा जो भी पुरुषार्थी हैं उन पुरुषार्थियों के बीच में सबसे जास्ती पुरुषार्थी है या धीमा पुरुषार्थी है? तीखा पुरुषार्थी है। तो जो तीखा पुरुषार्थी है वही टीचर के रूप में ऐसे कह सकता है दूसरों को कि जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं, भगवान को याद नहीं करते हैं, याद का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, यज्ञ में आकर के ठाले बैठे पड़े रहते हैं, सरेंडर होने का ढोंग करते हैं, उनको उनके जीवन को क्या है धिक्कार है कि भगवान के बच्चे भगवान के घर में जन्म लेकर के भी फिर भगवान को याद नहीं करते हैं, कोई सेवा नहीं करते। और बीच का, न ज्यादा ऊंचा न ज्यादा नीचा,
और जिसे कहते हैं मीडियम, और कृष्ण की आत्मा और कृष्ण की आत्मा की राशि को एक क्यों ऐसा? इसलिए ऐसा है कि क्रिश्चियंस में जो भी परंपराएं दिखाई गई हैं वो कृष्ण की परंपराओं से मिलती हैं। जैसे कृष्ण की डेथ दिखाई है तो उनके पांव में कांटा चुभा था, तो क्राइस्ट की भी डेथ कैसे दिखाते हैं? क्रॉस दिखाते हैं, उनके हाथों में पांव में कांटा चुभो देते हैं। ऐसे क्राइस्ट की मौत हुई थी। ऐसे ही कृष्ण वाली आत्मा बहुत पॉम्प एंड शो करती है, ज्ञान का और युग का, सफेद कपड़े पहनो, सफेद कमरा बनाओ, सफेद पांडाल बनाओ, यहाँ भागदौड़ करो, वहां भागदौड़ करो, प्रदर्शनी करो, कॉन्फ्रेंस करो, ये सब क्या है? ये ज्ञान युग का प्रदर्शन है या गुप्त योग है? हाँ? प्रदर्शन हो गया। तो क्रिश्चियंस में भी बहुत पॉम्प एंड शो करते हैं। क्राइस्ट ने त्याग तपस्या का पॉम्प एंड शो ज्यादा कर दिया। जैसे क्रिश्चियंस बाहर से बड़े सुंदर दिखाई देते हैं, गोरे चिट्ठे, लेकिन अंदर से मैल भरा रहता है। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा भी थे। उदाहरण के लिए, सब आत्माओं के प्रति रहमदिल होना चाहिए या कोई के प्रति रहमदिल होना चाहिए, कोई के प्रति नहीं? क्या होना चाहिए? हैं? अरे भगवान को तो सबके प्रति रहमदिल होना है। लेकिन हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट जब आया तो बाबा उसके सामने तो उसकी बहुत महिमा की और बहुत आव भगत कर दी, लेकिन जब वो चला गया तो कहा कि ये थोड़े स्वर्ग में आवेगा। तो अंदर से मैल भरा हुआ कहेंगे या नहीं कहेंगे? सामने से बड़ी आव भगत करना, आवजू करना, और अंदर से समझते हैं ये हमारे काम का नहीं है बिल्कुल। और भाई पूछ रहे हैं आत्मा कहाँ से शरीर बन रहा? कहाँ से माने? आत्मा ने शरीर में कोई रास्ता है या आत्मा आने का? अरे सैकड़ों छिद्र हैं, आत्मा छिद्रों से भी अति सूक्ष्म है। शरीर में कितने छिद्र होते हैं कोई गिन सकता है? है? जो सुराख हैं, होल, छोटे 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 सुराख हैं, कितने छिद्र हैं? आत्मा तो कहीं से भी प्रवेश कर सकती है और कहीं से भी निकल सकती है। नीच कर्म करने वाला होगा तो नीचे से निकलेगी, और ऊंच कर्म करने वाला होगा तो ऊपर से निकलेगी। ऊर्ध्वगति वाली आत्मा होगी तो ऊपर से ही जाएगी, और नीचे कर्म करने वाली आत्मा होगी तो अंत समय में उसको नीचे याद आएगा, नीचे के अंग याद आएंगे या ऊपर के अंग याद आएंगे? सारी जिंदगी तो क्या याद करता रहा? गुमूत का कीड़ा गुमूत को याद करता है सारा जीवन, तो अंत मते सुगति उन्हीं छिद्रों से जाना जाएगा। पतन होगा, जो जन्म नया मिलेगा वो नीचा जन्म मिलेगा, गड्ढे वाला जन्म मिलेगा कि ऊंची स्टेज का जन्म मिलेगा? है? नीचे वाला मिलेगा। तो शरीर में हजारों नहीं लाखों की तादाद में छिद्र है। कोई बाल गिन सकता है कितने बाल हैं? एक एक बाल के साथ छिद्र लगे पड़े हैं, एक एक रोए के साथ छिद्र लगे पड़े हैं। आत्मा तो उन छिद्रों से भी अति सूक्ष्म है, कहीं से भी निकल सकती है, कहीं से भी आ सकती है।
और केरला में पहले एक संप्रदाय चलता था, मरीमक्कता है संप्रदाय है, मरीमक्कता है संप्रदाय करके संप्रदाय चलता था। अब क्या लोप हो गया? अभी नहीं है ना, अभी नहीं है, लोप हो गया। क्या हुआ? अब वो नहीं है, वो लोप हो गया। उसमें क्या है कि जो लड़का जो मालिक है वो जो मर जाता है तो अपने बेटे को नहीं देता प्रॉपर्टी, अपने खुद अपने बेटे को प्रॉपर्टी नहीं देता है, वो अपना जो अपनी सिस्टर है सिस्टर का बेटे को देता है। जब घर का बाप होता है ना, जब मरता है तो प्रॉपर्टी सीधा अपने बेटे का इसमें नहीं जाता है, अपने जो बाप के जो सिस्टर होता है ना उनके बेटे पे जाता, तो वो कैसे शूटिंग ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा बाबा जो रावण का चित्र बनाया जाता है उसमें, उस चित्र में ब्रह्मा बाबा का पार्ट कौन सा चित्र के रूप में दिखाया गया है? गधा कहो, घोड़ा कहो, कुछ भी कहो, घोड़े की एक जाति खच्चर भी होती है उसे कहो, गधे के रूप में दिखाया गया है। गधा जो है जो देह अभिमान का सूचक है वो किसका बाप है? उसको ऊपर क्यों दिखाया गया है? रावण का, रावण के जो पांच मुख हैं उन पांच मुखों का बाप है। तो पांच मुखों में पहला मुख क्या है? काम। रावण का मुख्य मुख कौन सा हुआ? काम विकार। जो मुख्य मुख है उसकी कोई बहन भी होगी है? है? नहीं, माया। हाँ, सुपर्णखा भी माया का रूप है, माया। ब्रह्मा बाबा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी किसको सौंप दी? है? माया बेटी को सौंप दी। वो संप्रदाय बाद में खत्म हो गया। तो संगमयुगी ब्राह्मणों की दुनिया में ही ये ब्रह्मा कुमारी संप्रदाय क्या होगा? जैसे दुनिया के और संप्रदाय खलास हो जाएंगे वैसे ये भी खलास हो जाएगा। मुरली भाई बोला है तुम बच्चे ब्रह्मा कुमारी शब्द हटा दो, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द हटा दो, आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय लिख दो। आगे चल के सात सेंटरों पे लिखना पड़ेगा क्या? आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का नाम निशान भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और वो आध्यात्मिक विद्यालय भी सब गीता पाठशालाओं के रूप में होंगे, प्रवृत्ति मार्ग वाले ही उनका संचालन करेंगे, सब गीता मंदिर बन जाएंगे। इसलिए भक्ति मार्ग में भी दुनिया में गीता मंदिर प्रसिद्ध हैं या ब्रह्मा कुमारी विद्यालय प्रसिद्ध है? गीता मंदिर प्रसिद्ध है। और ये संप्रदाय अभी भी चलता बोल रहे हो? दिखाई तो पड़ता नहीं, सुना तो उस गया नहीं, आज आपने सुनाया है। ये केरला में चलता चलता था, अभी कैसे चलता था, अभी कैसे चलता है? नहीं, अभी वो भाई नारायण भाई वाले इधर ये एरिया में चलता है संप्रदाय। कहाँ है, कोई है यहाँ बैठा हुआ है? हाँ, और सचिव में आज नारायण हो गए हाँ? तो वो आज नारायण की प्रेरणा में आज सीताराम बनते हैं हाँ? प्रेरणा में भी सीताराम बाप आधार मूर्त आत्मा जी बनते हैं हाँ? ठीक है हाँ? वो भी बनते हैं ना, मैं कहता हूँ वो आज नारायण ही आज राम आधार मूर्त है ना,
हाँ वो जड़ हैं, वो नारायण है जड़ हैं, उन जड़ों का कोई बीज भी होगा ना, वो ही नारायण द्वापर के या कलयुग में आकर के धर्म पिताओं के आधार बनते हैं, जड़ हैं, आरोपित होती हैं। उन जड़ों को जन्म देने वाला भी कोई होगा कि नहीं, बीज, तो बीज एडवांस में बैठे हैं। मैं सुनते हूँ आप नारायण है ना, सतयुग में आप नारायण है ना, सतयुग में आठ नारायण है, वो आप नारायण ही प्रेरणा में आकर ये राम सीता, आप राम सीता के पास भी भेज जाता है। राम सीता तो उनको जन्म देने वाले हैं आठों नारायण के, वो तो पूर्वज हो गए। आठों नारायण से पहले जन्म देने वाला कौन है, पहले नारायण को जन्म देने वाला कौन है, फर्स्ट संगम भी नारायण, तो वो तो पूर्वज हो गया ना, आठ पूर्वज गाए हुए हैं। एक है सूर्यवंश का पूर्वज, फिर दूसरा है चंद्रवंश का पूर्वज, तीसरा है इस्लाम वंश का पूर्वज, ऐसे आठ धर्मों के पूर्वज हैं, आठ धर्म हैं जो आस्तिक हैं, नंबरवार भगवान से प्राप्ति करने वाले हैं, सभी में राजाई चली है। और क्वेश्चन है, आत्मा तो अविनाशी है तो, और शरीर विनाशी, तो आत्मा को पर ज्यादा क्यों ध्यान देना है, शरीर को पर देना चाहिए ना, आत्मा तो अविनाशी तो रही है। विनाशी को याद करेंगे तो विनाशी बनेंगे, अविनाशी को याद करेंगे तो अविनाशी बनेंगे, चोर डकैत को याद करेंगे तो क्या बनेंगे, चोर डकैत बनेंगे, साहूकारों का साथ करेंगे उनको याद करेंगे तो क्या बनेंगे, साहूकार बनेंगे, जैसा संग वैसा ही रंग लगेगा। और माला है उसको 8,054। अच्छा तो क्या हुआ, 8,054 एक तरफ, 8,054 दूसरी तरफ, 8,054 राइट ईयर, 8,054 लेफ्ट ईयर। हाँ तो सभी मालाओं का ऐसा ही है, 108 की माला में भी 54 राइट ईयर, 54 लेफ्ट ईयर। और सारा जीवन जो किया होगा उसका वाइब्रेशन ज्यादा आएगा या सन्मुख का वाइब्रेशन, सन्मुख वाले उनको सन्मुख किनको कहा जाता है, सन्मुख बैठ करके भी अगर बुद्धि बाहर की दुनिया में घूम रही हो तो सन्मुख हैं या विमुख हैं, क्या कहेंगे, विमुख हैं। तो सारा जीवन अगर बाहर की दुनिया में बुद्धि रहती है, संग का रंग बाहरी दुनिया का रहता है, और अभी आकर के बाबा के सामने बैठ गए तो ज्यादा असर किसका रहेगा, है बाहर का ही रहेगा ना। और बाकी सब तो ऐसा नहीं कहते कि हमको वाइब्रेशन नहीं मिलता, सब कहते हैं है? सब तो नहीं कहते। और विपरीत वाचा, विपरीत कर्म, विपरीत संकल्प अगर कोई चला देंगे तो उनको विमुख होने वालों के वाइब्रेशन ज्यादा मिलेंगे या
सन्मुख के वाइब्रेशन ज्यादा मिलेंगे, विमुख वालों के वाइब्रेशन ज्यादा मिलेंगे, सहज मिल जाएंगे। और आगे चल के ये खेल बहुत होगा, जब कलम की धर की अखबारों में, रेडियो में, टीवी में, इंटरनेट में चारों ओर ग्लानी निकलेगी, उस समय जो विमुख होने वाले हैं उनको ज्यादा उमंग उत्साह आएगा या कम आएगा? ज्यादा, उनको ज्यादा उमंग उत्साह बढ़ जाएगा। बाबा मुरली में तरह था ना, राम को सत्य का ही भोग रखेंगे, सच्चा का ही भोग रखेंगे, सच्चा भोग रखेंगे राम को, राम को सच्चा भोग रखेंगे और नारायण को झूठा नहीं, सत्य का नहीं रखेंगे बोला, सत्य का नहीं रखेंगे। हाँ हाँ, सच्चाई भोग रखा जाएगा, झूठा क्यों रखेंगे? सच्चा माने जो झूठा न किया गया जाए, झूठा करके, झूठा करके भगवान को भोग लगाएंगे क्या? एक होता है झूठा और एक होता है सच्चा, सच्चा माने जो झूठा न किया जाए क्या? जैसे भारतीय हैं, भारत में, भारत में सती प्रथा चल रही है, तो सती साध्वी स्त्रियां सच्ची हैं या झूठी हैं? क्या कहेंगे? सच्ची है। और विदेशों में, विदेशों में एक शादी करते हैं फिर दूसरी कर लेते हैं, तीसरी कर लेते हैं, चौथी कर लेते हैं, तो जो तीसरी चौथी शादी औरतें करती हैं वो झूठी औरतें हो गई या सच्ची ही हैं? सच्ची हैं या झूठी हैं? क्या है? झूठी है। तो भगवान को कैसा भोग लगाना चाहिए? भगवान को सच्चाई भोग लगाना चाहिए, झूठा भोग नहीं लगाना चाहिए। और जहाँ सच्चा भगवान पढ़ाई पढ़ाए वो सच्ची गीता पाठशाला, और जहाँ झूठा भगवान पढ़ाई पढ़ाए वो झूठी गीता पाठशाला। झूठा ज्यादा दिन चलेगा या सच्चा ज्यादा दिन अंत तक चलेगा? सच्चा अंत तक चलेगा। तो ब्रह्मा कुमारियों ने सच्ची गीता पाठशालाएं बंद कर दी या चालू है? उनका नाम सच्ची गीता पाठशाला पहले रखते थे, अभी रखना बंद कर दिया या चालू है? हैं? अरे यहाँ केरला में सच्ची गीता पाठशालाएं सुनी कहीं ब्रह्मा कुमारियों में? सब बंद कर दे। तो झूठा ज्यादा दिन टिकता नहीं है और सच्चा अंत तक टिकेगा। हाँ, राम बाप को मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहा जाता है, तो राम बाप तो, लेकिन जो संगमी नारायण मिलता है तो फिर राधे कृष्ण को ही जन्म देते हैं, दूसरे दूसरे राधे कृष्ण को तो दूसरे लोग जन्म देते हैं ना। राजा को माई बाप कहते हैं कि नहीं? भारत वर्ष में जो राजा होता है उसको माई बाप, प्रजा राय माई बाप कहती है या नहीं कहती है? है? अच्छा। कहती है। तो पहला नारायण अपनी प्रजा का माई बाप है या नहीं है? जो सतयुग का पहला नारायण है वो अपनी प्रजा का माई बाप है या नहीं है? है। और ये परंपरा कहाँ पड़ी? है? ये परंपरा कहाँ पड़ी? संगम में शिव बाप आते हैं तो जो उनके फॉलोअर बच्चे सूर्यवंशी बनते हैं वो गाते हैं तुमेव माता क्या पिता तुम्हें, तो सारे ही 4.5 लाख क्या हो गए? मात पिता हो गए कि नहीं?
तो वो पहली पीढ़ी है, सतयुग की दूसरी पीढ़ी है राधा कृष्ण और उनकी प्रजा, फिर तीसरी पीढ़ी होती है, चौथी होती है, आखिरी नारायण भी होता है सतयुग का। और कोई ना कोई पहला मिलन पर इतना आंसू आते हैं, और कोई ना कोई ऐसा निमित्त बाबा को मिलने के बाद चले जाते हैं, इसका कुछ राज़ है? जन्मों का हिसाब किताब है अपना अपना, कोई बहुत दिनों के बाद मिलता है तो बड़े सिक सिक से मिलता है, आंसू आ जाते हैं, हिचकियां लेने लगता है, तो ये सिक सिक हो गया ना। सिसकियां भरते हैं ना, कोई कोई रोते हैं तो क्या कर भरते हैं, सिसकियां हो गई, उसको कहते हैं सिक सिक। हाँ, बाबा मुरली में बोलते हैं बड़े सिक सिक, सिकील दे बच्चे, बड़े सिक सिक से मिलते हैं, बहुत दिनों के बाद मिले तो सिसकियां भर भर के मिलते हैं। हाँ, किसी लोग आए हैं यहाँ, टोटल हैं कितने? काली परंबा क्षेत्र से कितने लोगों ने भट्टी की है, है? आसपास गांवड़े से या आसपास मिला करके कन्नूर वगैरह जो भी हैं, जो भी दूर दूर से आते हैं, टोटल संख्या कितनी है? 35 तो यहाँ बैठे ही हैं। अच्छा है, अच्छा अच्छा, बॉम्बे से। हाँ, जीव जंतु क्या गलती किया? मतलब जो मछली को, क्यों? जो मछली है उस मछली का एक ही रूप है या मछली का घड़ियाल का भी रूप है? जो पहले जानवर हुआ करते थे, क्या नाम, डायनासोर, वो घड़ियाल जैसे होते थे कि नहीं? तो उन्होंने क्या मनुष्यों को नहीं खाया? खाया, खाया। तो हिसाब किताब ले रहे हैं अपना, मछलियां भी खा जाती हैं मनुष्यों को, बड़ी बड़ी सील वेल मछलियां होती हैं, और मछलियों के अनेक रूप होते हैं, जैसे चौपाए जानवर होते हैं चार पांव वाले, तो चार पांव वाले जानवरों में से अनेक रूप पैदा हो जाते हैं, शेर में से चीता पैदा हो जाता है, चीते में से लकड़बग्घा पैदा हो जाता है, घोड़े से खच्चर पैदा हो जाता है जो वजन ढोता है, खच्चर से गधा पैदा हो जाता है। मान लो किसी जंगल में घोड़े ही घोड़े हैं, जैसे डायनासोर पहले खत्म हो गए ना, अभी डायनासोर देखने में आते हैं, हैं? नहीं आते हैं, तो कोई डायनासोर का पूरा जंगल था, वो सारे जंगल में आग लग गई, एक फीमेल बच गया, तो जो एक फीमेल अगर किसी तरह बच गया, जंगल से बाहर चला गया और उसका संसर्ग हो गया घड़ियाल के साथ, नदी का घड़ियाल होता है ना, बड़ा माछला, क्या कहते हैं उसको, क्रोकोड, क्या
क्रोकोडाइल, हाँ क्रोकोडाइल से उसका मेल हो गया, वो क्रोकोडाइल ना रहे और डायनासोर है फीमेल, तो दोनों का मेल हो जाएगा तो नई नई जाति प्रजाति पैदा होगी कि नहीं होगी? तो नई प्रजाति पैदा हो गई और पुरानी प्रजाति खत्म हो गई। ऐसे ही चौपाए जितने भी जानवर होते हैं उनसे नए नए प्रकार के पशु पैदा होते रहते हैं। वो चौपाइयों की एक किस्म है, ऐसा नहीं कि शेर से शेर ही पैदा होंगे हमेशा, शेर से तेंदुआ पैदा हो सकता है, चीता पैदा हो सकता है, लकड़बग्घा पैदा हो सकता है, और कोई कोई कुत्ते देखे होंगे शेर जैसे मुंह वाले, गोल मोहड़ा होता है उनका, लंबा मोहड़ा होता ही नहीं। बिल्ली भी ऐसा था, चीता जैसे। हाँ बिल्ली और कुत्ते, कुत्ते का संयोग हो जाए तो नई जात पैदा होगी कि नहीं होगी? नई प्रजाति पैदा हो जाएगी। आजकल वेजिटेबल्स में कितनी प्रजातियां पैदा कर रहे हैं, और टाइम हो गया एक और क्वेश्चन। हाँ जी, सत्य युग और त्रेता युग में भगवान को याद नहीं करना पड़ता, मैंने याद करता नहीं है भगवान, वो तो खुद ही भगवान का स्वरूप है, भगवान बिंदु, देवी देवताएं भी बिंदु, तो क्या याद करें? और यहाँ तो कोई अपन को बिंदु नहीं समझता, यहाँ तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी याद नहीं आता। तो सत्य त्रेता में भगवान को याद करने की दरकार नहीं। ये भाई पूछ रहा हूँ सर, शूटिंग कैसे होता है इधर जब सत्य त्रेता का शूटिंग चली थी? हाँ? तो तभी भी हम लोग याद नहीं करता था क्या? अभी भी कितने हैं जो कहते हैं हम बिंदु को कैसे याद करें, कभी सुना कि नहीं सुना? यहाँ भी बहुत तेरे ऐसे हैं, बेसिक में भी बहुत तेरे ऐसे हैं जो कहते हैं हम बिंदु को कैसे याद करें, तो शूटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? और हुआ था पिछले जन्म का याद करते हैं। हाँ हाँ, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पूर्व जन्म की बातें बताते हैं, ये कैसे है? तो उनकी सात्य की स्टेज होती है तो बताते हैं। और बाबा ने कहा है कि एक जन्म स्त्री का, एक जन्म पुरुष का, सभी को लेना पड़ता है। ये बात हमेशा हर जन्म में हरेक के लिए लागू नहीं होती है, क्योंकि कोई कोई आत्माएं दो दो जन्म स्त्री के लेती रहती है, और कोई कोई आत्माएं दो दो जन्म लगातार पुरुष के लेती रहती हैं। ये ब्राह्मणों के संगम युगी पुरुषार्थ के ऊपर है, जो जैसा पुरुषार्थ करता है वैसा उसका हिसाब बच जाता है। तो एक जन्म स्त्री एक जन्म पुरुष का लेना होता है, तो बाबा सीता के लिए कहा है
की सीता होती है शीतल स्वभाव वाली। तो जब सीता द्वापर कलयुगी जन्मों में पुरुष बनेगी तो शीतल स्वभाव की होगी क्या? सीता स्त्री का नाम है या पुरुष का नाम है? सीता तो स्त्री का नाम है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि रुद्रमाला में जितने भी मणके हैं उन मणकों के बीच सबसे कम जन्म पुरुष के कौन सी आत्मा लेगी? रुद्रमाला के 108 मणके, उन 108 मणकों में अंतिम मणका कौन सा है? सीता। तो अंतिम मणका पुरुष के कम जन्म लेगा या और मणके पुरुष के कम जन्म लेंगे? अंतिम मणका ही सबसे कम जन्म लेगा। और जो भी जन्म लेगा उन जन्मों में पुरुष स्वभाव संस्कार तो आवेगा ही, ऐसे नहीं स्त्री का संस्कार रह जाएगा। बाबा, भक्तों में नारद को तीनों देवताओं का प्रिय दिखाया है। ये भक्ति मार्ग में दिखाया है या ज्ञान मार्ग की भी बात है? नारद उन्हें कहा जाता है जो नार रूपी जल तो बांटते रहते हैं। नार रूपी जल चारों तरफ घूम घूम के देते रहते हैं लेकिन खुद नारायण नहीं बनते हैं। खुद नारद के नारद ही बन करके संसार रूपी जंगल में चक्कर लगाते रहते हैं। तो भक्ति मार्ग में कहा है कि तीनों देवताओं को प्रिय है नारद। क्योंकि नारद ऋषि मुनि की लिस्ट में है या साधारण मनुष्यों की लिस्ट में है, इसलिए पवित्र रहने के कारण तीनों देवताओं को प्रिय है। बाकी ऐसे नहीं है, तीनों देवताओं को एक जैसा प्रिय है। तीनों देवताओं में जो सर्वोपरि देवता है महादेव, उसको नर से नारायण बनने वाले ज्यादा प्रिय हैं या नारद बने रहने वाले ज्यादा प्रिय हैं? नर से नारायण बनने वाले ज्यादा प्रिय हैं। बोल बोल करने वाले ज्यादा प्रिय नहीं है। जो बोल बोल ज्यादा करते हैं वो ही दो पार्टियों के बीच में झगड़ा कराए देते हैं, इधर की बात उधर और उधर की बात इधर कर देते हैं। लंबा लंबा, चाहे शंकर हो विष्णु हो ब्रह्मा हो, लेकिन ये सभी देवता पत्नी से भी ज्यादा दर्जा भक्तों को क्यों देते हैं? पत्नी से ज्यादा भक्तों को प्रिय क्यों मानते हैं?
इसमें बेअदब की बात क्या है? ये भी बात वही है, भक्ति मार्ग में ऐसा दिखाया है कि तीनों देवताएं भक्तों को ज्यादा मानते हैं पत्नी के मुकाबले, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु की तो बात और है। वो ज्ञान दाता नहीं है, ज्ञान लेने वाले हैं या दाता देने वाले हैं। लेकिन साकार में अगर दाता कोई है तो एक ही देव देव महादेव है, जिसमें शिव मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं। ज्ञान मार्ग में शिव बाबा भक्तों को ज्यादा महत्व देते हैं या शक्तियों को ज्यादा महत्व देते हैं? और शक्तियों में भी लक्ष्मी को ज्यादा महत्व दिया है, पार्वती को ज्यादा महत्व दिया है या औरों को ज्यादा महत्व दिया है? तो ज्ञान मार्ग में बात कुछ और है, जो भक्ति मार्ग के मनुष्यों की बुद्धि में नहीं बैठी है। इसलिए सिर्फ टीवी देख देख करके हर बात का फैसला नहीं कर लेना है, ज्ञान की बातों से भी टैली करते रहना है। बाबा ने बोला है कोर्स में फोर्स होना चाहिए, तो कोर्स में कौन सा फोर्स होना चाहिए? क्या जोर जोर से बोलना ही फोर्स है? कोर्स देने का मकसद क्या है? कोर्स देने का एम ऑब्जेक्ट क्या है? बाप की पहचान हो जाए, बाप के ऊपर पक्का निश्चय बैठ जाए, आत्मा जो बाप का बच्चा बनती है उसको सारी दुनिया से श्रद्धा टूट कर किसके ऊपर बैठ जाए? एक बाप के ऊपर श्रद्धा बैठ जाए। अगर इतना काम हो गया तो समझो फोर्स बढ़ गया। वो आत्मा अच्छी सर से उल बच जाएगी। जो पुराने ज्ञान में चलने वाले होते हैं उनको एक प्रकार का अहंकार होता है, जो नयों को नहीं होता है। पुराने नयों से किस प्रकार से बर्ताव करते हैं, पुरानों को नयों से किस प्रकार की ईर्ष्या होती है और वो पुराने नयों की गलतियां पकड़ने में लगे रहते हैं और पुराने भी वो जो मम्मा बाबा के समय से पालना लिए हुए हैं। ऐसा क्यों होता है? ब्राह्मणों की दुनिया में जब शूटिंग का पार्ट चलता है
तो पुराने पुराने ज्यादा तमो प्रधान बनते जाते हैं या नए तमो प्रधान बनते हैं? हैं? पुराने पुराने तमो प्रधान बनते जाते हैं, तो जो तमो प्रधान बनते जाते हैं उनको अहंकार रहता है हम पुराने हैं। ऐसे डीके में भी बहुत पुराने पुराने हैं जिन्होंने मम्मा बाबा से पालना ली हुई है, ब्रह्मा सरस्वती से, और उसी अहंकार के कारण वो भगवान के ज्ञान से वंचित रह गए। ऐसे ही यहाँ एडवांस में भी जो पुराने पुराने इस अहंकार में रहते हैं कि हमने तो मम्मा बाबा से पालना ली है, परंतु ये भूल जाते हैं कि हम तो पुराने तमो प्रधान हैं और नए नए पत्ते सतो प्रधान हैं। नए नए सतो प्रधान बच्चों के साथ हमें बच्चों जैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं ऐसे पालना करनी चाहिए, उनके साथ ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए। सूर्यवंशियों की माँ योगिनी माँ को बताया है, और सूर्य है बाप, तो क्या वो बाप की भी माँ है योगिनी माँ? कौन से बाप की बात हो रही है? योगिनी माँ कौन से बाप की माँ है या हो सकती है? बाप दो हैं बेहद के, एक शिव बाप और दूसरा मनुष्यों का बाप प्रजापिता। प्रजापिता सबका बाप है या उसका भी कोई बाप है? हैं? सबका बाप है, वो योगिनी का भी बाप है या नहीं है? हैं? योगिनी का भी बाप है, और जगदम्बा योगिनी की भी माँ है। यहाँ तो पुरुषार्थ की बात है, स्थूल माँ बाप की बात नहीं है। जगदम्बा पुरुषार्थ में पीछे रह जाती है और बच्ची आगे निकल जाती है, तो जो बच्ची ज्यादा समझदार बन जाती है माँ से, वो माँ की पदवी नहीं ले सकती क्या? है? ले लेती है, बल्कि माँ से भी ऊंचा कार्य करके दिखा सकती है। बोला है कोई पोता मेल लिखता है और बाबा को देता है, तो बाबा पोता मेल पढ़ करके लिखने वाले को माफ कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि पोता मेल लिखने वाले को बार बार माफ किया जाता है। एक बार माफ किया जाता है कि आधा पाप तुम्हारा भस्म हो गया सच्चा सच्चा बताने के कारण, उसमें भी बाबा ने बोला है अपना सच्चा पोता मेल देने वाला कोई पोतों में एक है। अगर सच्चा पोता मेल नहीं बताते हैं, उसमें कुछ मिक्स करके बताते हैं, तो और ही पाप चढ़ेगा
या भस्म होगा और ही चढ़ जाता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो भी पोता में लिख करके देते हैं उनका पाप भस्म हो जाता है, पूरा तो भस्म होता ही नहीं है। हाँ, जो लिख करके सच्चा सच्चा देते हैं उनका आधा भस्म हो जाता है, फिर भी अगर दोबारा गलती करते हैं तो वो आधा ही भस्म होगा या परसेंटेज कम हो जाएगा, है परसेंटेज कम हो जाएगा। जितनी बार पोता मेल देते रहेंगे, बार बार गलती करते रहेंगे तो माफ होने की परसेंटेज घटती जाएगी। तो पूछा है पता कैसे लगेगा कि हमारा पोता मेल देने से पाप भस्म हो गया, जिन्होंने पोता मेल पहली बार लिख करके दिया होगा वो अनुभव किया होगा अगर सच्चे दिल से लिख करके दिया है तो कि हल्कापन महसूस होता है, वो हल्कापन ही निशानी है, पहचान है कि पाप भस्म हुआ है।